सिंगरौली में लगातार विकास कार्यों को गति मिल रही है। इसी के तहत विधायक रामलल्लू बैस ने नगर निगम की दुकानों के लोकार्पण के साथ इंडस्ट्रियल एरिया पहुंच मार्ग का भूमि पूजन भी किया। टीएमएफ के मद से निर्मित नगर निगम सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 14 और 42 में उचित मूल्य की दुकान का लोकार्पण रामलल्लू बैस ने किया, जिसकी कुल लागत 20,32,000 रुपए है। वहीं वार्ड क्रमांक 41 में बीजपुर पहुंचे मुख्य मार्ग से इंडस्ट्रियल एरिया की सड़क का भूमि पूजन भी किया गया। विधायक रामलल्लू बैस ने वार्ड वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में मूलभूत आवश्यकता के अनुसार विकास एवं निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जा रहे हैं। कि नगर निगम क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड में निर्णय हुआ था, प्रत्येक वार्ड में पीडीएस की यदि दुकानें बनाने का, इस स्थिति में वार्ड क्रमांक 14 में पीडीएस दुकान का लोकार्पण किया गया 10,16,000 का। इसी तरह वार्ड क्रमांक 42 में पीडीएस की दुकान का लोकार्पण किया, वो भी 10,16,000 का था। और इसी क्रम में एक गेनियारिक से इंडस्ट्रियल एरिया में रास्ता जोड़ने के लिए सड़क का भूमि पूजन किया 18,00,000 रुपए का। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।